वेलकम टू आयुष क्लासेस मैं आ चुका हूँ हमारे अपने साथ तो चलिए शुरू करते हैं मोदी न्यू भावपोर न्यू खुजरा सेक्शन ऑफ दिन डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर दैट इज कॉन एज दी एफ सी सो द न्यू भावपोर न्यू खरुजा सेक्शन ऑफ द ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर विल बी ईडीएफसीटेड बाय द नरेंद्र मोदी टूडे आज ग्यारह बजे इनाइगुरेटेड होगा थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड बिटवीन द इवेंट आवर प्राइम मिनिस्टर जी विल ऑल्सो इनाइगुरटेड दी एफ सी ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर एट ओ सी सी जिसको कहते हैं एट प्रेग सो so, हम लोग जानते हैं आखिर ये ई हम लोग जो बता रहे हैं डी है, है क्या न्यू भावपुर न्यू खजुरा सेक्शन ऑफ ए सो जो, जो न्यू भावपुर ऑफ़ न्यू खजुरा ई है इज अ 351 किलोमीटर एंड सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश 351 किलोमीटर लंबा है एंड इट इज़ बिल्ट एज बीन बिल्ट एट द कॉस्ट ऑफ रुपीज करोड़ सो ये जो बना था ये एट द कॉस्ट ऑफ फाइव करोड़ बना था और ये जो है दिस सेशन विल ओपन द न्यू बेस्टर्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द लोकल इंडस्ट्रीज तो लोकल इंडस्ट्रीज सच छोटे छोटे लोगों के इंडस्ट्रीज होते फैक्ट्रीज होते छोटे छोटे जो उन लोग के लिए ये बहुत ही बड़ा हेल्प होने वाला हमारा न्यू भावपुर न्यू खजुरा सेक्शंस ऑफ ई तो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ इसको थोड़ा सा डीप में हम लोग और समझा देता हम लोग जैसे हम लोग मैंने आपको बताया है मैंने आपको कई दो तीन वीडियो से बता कि हमारा जो भारत देश है वो मैनुफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में जा रहा है मैनुफैक्चरिंग मेकिंग बन रहा है अब वो इंपोर्ट नहीं करेगा सामान वो खुद अंदर में प्रोड्यूस करेगा क्योंकि मैनुफैक्चरिंग बनने के बाद उसे क्या होगा हमारा प्रॉफिट हाई होगा लोगों को एम्प्लॉयमेंट होगा तो यही टाइम है यही राइट right टाइम है कि हमारा देश जो है मैनुफैक्चरिंग में जा रहा है इससे हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट होगा अगर वो सही तरीके से चला तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना डेट ए बी पी एम जे सेहत स्कीम नरेंद्र मोदी हैज लॉन्च आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आयोग योजना जिसको हम लोग तो कहते हैं ए बी पी एम जी सेहत स्कीम सो इस स्कीम का होगा क्या सो मेन एम एक्सटेंड जो हम लोग तो का देश का जो हेल्थ इंश्योरेंस लोगों का होता है उसको कवरेज बढ़ाने के लिए उसका कवरेज बढ़ाने रेसिडेंट ऑफ देश का स्पेसिफिक किस जगह का है वो है जम्मू एंड कश्मीर का तो जब हम लोग तो बात करते हों प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत स्कीम तो हम लोग दिमाग में वैसे से आदना चाहिए जो हेल्थ इंश्योरेंस की बात हो रही है किसके लिए बात हो रही है बात हो रहा है जम्मू एंड कश्मीर के लिए ओके जम्मू एंड कश्मीर के लिए एंड जो सेहत है इसमें जो वर्ड सेहत है सेहत स्टैंड फॉर द सोशल एंड वर्क ऑफ फॉर हेल्थ एंड द टेली मेडिसिन सोशल के लाइफ के बारे में उन लोग के हेल्थ के बारे में और उन लोगों का मेडिसिन का खर्चा उर्चा के बारे में तो इन सब चीज़ों के बारे में जब बात चल रहा हो इसका सोच कर लेके उनको तो प्रोवाइड करना हो भी किसको लेके जम्मू कश्मीर के बाद में हो तब हम लोग उसको कहते हैं ए बी पी एम जे सेहत स्कीम सो तो अब हम ये ए बी पी एम जे स्कीम के बारे में जानते हैं सो इट प्रोवाइड्स अ कॉस्ट ऑफ इंश्योरेंस कवर टू ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर सबको पता है जम्मू कश्मीर हमारा यूनियन टेरिटरी है सो इट ऑल्सो प्रोवाइड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा इट ऑल्सो प्रोवाइड द फाइनेंशियल कवर अप टू रुपीज फाइव लैख पर फैमिली मतलब कि एक इंसान अगर इसमें लेता है पी एम जे स्कीम में जाता है तो उसको हर इंसान को फाइव लैख का इंश्योरेंस स्कीम मिलेगा ऑन अ फ्लोटर बेसिस टू ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ द यूनियन टेरिटेज ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर साथ ही साथ एंड ऑपरेशनल एक्सटेंशन ऑफ पी एमजे टू फिफ्टीन लैख अप्रोक्सीमेटली एडिशनल फैमिलीज पांच लाख का तो मिलेगा ही साथ ही साथ पीएम जे के अंडर में उन लोगों को पंद्रह लाख का ऑपरेशन एक्सटेंशन भी मिलेगा अब हम लोग हैं पी एमजे तब तो हमने जो बात की पी एमजे है क्या सो द पी एम इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट हेल्थ एश्योरेंस स्कीम फुली फाइनेंस बाय द गवर्नमेंट ठीक है दिस स्कीम इज फुली फाइनेंस बाई द गवर्नमेंट प्रोवाइड फाइव लाख कवर पर फैमिली पर ईयर एंड द सेकेंड डे साथ ही साथ सेकेंड डे एंड टर्सरी हॉस्पिटलाइजेशन अक्रॉस द पब्लिक एंड दब्लिक एंडवेट एम्पैर हॉस्पिटल्स इन द इंडिया इन द इंडिया होल लेवल में मतलब कहीं से भी इसको प्रोवाइड करवा सकता ये है। यूनाइटेड स्टेट्स प्लान टू सेटअप न्यूक्लियर रिएक्टर ऑन द मून बाय द एंड ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी सिक्स बाई यूएस वंस अगेन इस अप फ्लाइंग द लेवल्स जो लेवल को तोड़ के जो लोग सोच नहीं सकते वो वापस से वैसे कुछ काम रिएक्टर इन द मून और आखिर ये न्यूक्लियर रिएक्टर डालने का कारण क्या है सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ द नाशा बिहाइंड दिस वॉज टूस्टैब्लिश्लाइट हार्डवेयर सिस्टम दैट इज रेडी फॉर इंटीग्रेटिंग विदनर लैंडर बाय द ट्वेंटी ट्वेंटी उन लोगों का मेन का प्लान ये है कि पहला कि फ्लाइट हार्डवेयर सिस्टम को इंटीग्रेट करेंगे मतलब वहाँ पर लगाएंगे और ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर इसको हम लोग क्या बोलते हैं इज ऑल्सो न्यूज द फिजन पावर सिस्टम कोई भी एग्जाम में बोलना बात न्यूक्लियर पावर का लो फिजन पावर सिस्टम लो दोनों सेम इज़र इस इससे क्या हुआ दैट विल बेनिफिट द फ्यूचर रोबोटिक जो भविष्य में फ्यूचर रोबोट्स आएंगे एंड द ह्यूमन एक्सपेक्टेशन मिशन टू द मिशन एक्सपेक्टेशन टू द मून मतलब कि क्या जो हमारा जो सा है अब लोगों को हम लोग इसमें प्लान किया लोगों जो मून में जाना है मून में सिचुएशन का बात हो रहा है साथ ही साथ तो, तो फ्यूचर रोबोट जो वहाँ पर काम करेंगे तो इन दोनों को लेके भी ये न्यूक्लियर पावर मेन या न्यूक्लियर रिएक्टर या फिर फ्यूजन पावर सिस्टम हमारा वहाँ पर चल रहा है यूनियन मिनिस्टर श्रीपाद नायक रिलीज इज अ बुक सूत्रानिवेदनशील सूत्र एक अनुभव सो so, हमारे जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स आई सी फॉर द आयुष एंड द मिनिस्टर ऑफ द स्टेट फॉर द डिफेंस श्रीपद नायक रिलीज है बुक ठीक है ये के लैंग्वेज में लिखा हुआ है सूत्र निवंशी सूत्र एक अनुभव पाता है डॉक्टर रूपाचारी ऑन द ट्वेंटी सिक्स दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं बुक का नाम आप देख रहे हो तो इस बुक का नाम थोड़ा सा बोलने में भी मुश्किल हो रहा है तो मेरे ख्याल से इसको एग्जाम में तो ये देगा ही देगा ताकि हमें दिमाग में क्लिक नहीं करेगा क्योंकि हमें तो so, हमारा मैं नहीं चाहता कि आप लोग क्लिक ना करें इसलिए आप लोग इसको सूत्र आप लोग इसको शूत्र करके याद कर लो सूत्र एंड इट इज़ पब्लिश बाय द सजना संजना पब्लिकेशन पब्लिश बाय द संजना पब्लिकेशन अब हम थोड़ा जानते हैं कि बुक में हम लोग को मिलेगा क्या पढ़ने को सो वॉट यू यू रीड इन द बुक बुक विल हेल्प टू एक्सपायरिंग यंगस्टर्स टू हु विश टू मेक द कैरियर इन द फील्ड ऑफ कंपेयरिंग जो कंपेयरिंग के फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहता है जो उन लोग के लिए सबसे बड़ा स्टेप है हेल्प के लिए होगा एंड दिस इज द स्पॉन्टेनियस आर्ट यू डोंट नर्चर इट बाई है क्लास ठीक है ये जो चीज़ है ये आप कोई भी ये जो कंपेयरिंग का बात करिए कोई क्लासेस से नहीं सीख सकते क्लास तो होते होंगे कहीं ना कहीं आप सीख नहीं सकते आपको अंदर से आना चाहिए एंड विद द प्रॉपर स्टडी यू विल ऑलवेज हैव टू बी बिलीगेंट एंड कम्पेरिज द लिंक बिटवीन ऑडियंस एंड द स्पीकर ऑडियंस और स्पीकर के बीच में जैसे मैं आपको मैं स्पीकर मैं हूँ मैं बोल रहा हूँ ऑडियंस आप हो अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है मतलब कि मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ तो येस आई एम सक्सेस इन दैट और मेरे ख्याल से आप लोग समझ में आ रही है मुझे बहुत सारे इंस्टाग्राम्स में कमेंट्स आ रहे थे मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि सर आपका मैं देख रहा हूँ मेरा ये बहुत हेल्प हो रहा है मुझे समझ में आ रहा है और इसी में मैं आपको बता देता हूँ कि मैं डेली रात के मैं आपको जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ हम लोग भी डेली मैं आपके डेली रात में आठ बजे से लेकर दस बजे तक अपने इंस्टाग्राम आईडी ना अंकित के आर अंडर स्कोर ऑफिशन में आप सभी के डाउट सॉल्व कर रहा हूँ आपको कोई भी प्रॉब्लम है जी ए जी के जी ए रिलेटेड करेंट अफेयर्स रिलेटेड कोई भी हो या फिर आप चाहते हैं कि मैं आपके कोई स्पेसिफिक टॉपिक बनाऊँ तो मैं वो भी आपके लिए बना रहा हूँ आप बस मुझे कमेंट करो मुझे या फिर मैसेज करो या फिर आप हमारे आयुष या फिर आप हमारा फेसबुक पेज हमारे आयुष क्लासेस ग्रुप आयुष क्लासेस ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो जिसमें अगर आपको पीडीएफ नोट्स जो मैं जितना भी पढ़ाता हूँ मैं सारे पीडीएफ नोट्स उसमें मैं डाउनलोड

दी केड सो सबको पता है विराट कोहली हमारा जो है जो आफ्टर धोनी आफ्टर एम एस धोनी हमारे विराट कोहली जो कैप्टन बने इंडिया के कैप्टन हैं इंडिया के जो कि इतने अच्छे अच्छे उनका जो आप बॉलिंग्स देखोगे तो आप कहीं भी आप सोशल लाइफ में देखोगे तो उनका बॉलिंग स्किल्स में बहुत ज़्यादा देखा जाता है उनका जो फील्डिंग स्किल्स में मिलनी तो उनका फील्डिंग स्किल्स सबसे मोस्ट पॉपुलर रहता है उनका तो इसी वजह से यही सबके बदौलत हमारे विराट कोहली जो है आज हमारे इंडिया के जो उन्हें अवार्ड मिला है बाय एज ए आई सी सी मेन्स ओडियाई क्रिकेटर ऑफ द डेट तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज का ही हमारा वीडियो खत्म होता है आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और उस बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि हमारे सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए तो तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ टाटा बाय बाय